आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, कौन आया पूछने के लिए, सहानुभूति देने के लिए कौन आया? एक दिन भाई एक आदमी घर से आकर मिला आपने, अब ये सही बात बोला कि बीएसपी कर्मी अलग है और ठेका श्रमिक कीड़ा मजदूर है, आपने बोला ना? आप यही बोल रहे हैं, आप यही बोल रहे हैं। 36 घंटे हो गए हादसे को और उस मौत को, लेकिन अभी तक प्रबंधन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर सिंह मौत मामले की। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले सेक्टर 9 हॉस्पिटल बीएसपी प्रबंधन, इनके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा कि मेरे चाचा को कार्य क्षेत्र से उठा कर दूसरे जगह लाके मार दिया गया। डेड बॉडी पड़ी हुई है और घर के लोग 3 दिन से खाते नहीं खाए। जिला स्टील प्लांट की हठधर्मिता देखिए, 36 घंटे हो गए हादसे को और उस मौत को, लेकिन अभी तक प्रबंधन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर सिंह मौत मामले की। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले सेक्टर 9 हॉस्पिटल के पंप हाउस निर्माण के दौरान सेक्टर 6 के रहने वाले लाल बहादुर सिंह की हादसे में मौत हो गई थी, और उस हादसे में मौत के बाद जो है 24 घंटे तक जो है बीएसपी प्रबंधन, ठेकेदार का प्रबंधन कोई भी सामने नहीं आया था। कल भिलाई टाइम्स की टीम उस घटना से संबंधित खबर दिखाई, वीडियो दिखाने के बाद आज जो है मामला और ज़्यादा गर्माया है। बीएसपी प्रबंधन का अमला पहुंचा हुआ है मौके पर, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। परिजन मांग कर रहे हैं कि उन्हें परिवार के किसी सदस्य को जो है बीएसपी में पक्की नौकरी दी जाए, जैसा कि इससे पहले लगातार बीएसपी प्रबंधन हादसे के बाद मृतक के किसी न किसी परिजन को बीएसपी में नौकरी देते आया हुआ है। लेकिन इस मामले में बीएसपी प्रबंधन का कहना है कि जिस जगह पर उसका गेट पास जारी हुआ था, जैसे कि लाल बहादुर सिंह का गेट पास जो है SMS 2 का जारी हुआ था, लेकिन उसका वर्किंग जो प्लेस था वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल का पंप हाउस था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठेकेदार द्वारा उससे काम लिया जा रहा था सेक्टर 9 पंप हाउस में। तो इसमें एक और सवाल है कि बीएसपी प्रबंधन ये कैसे कर सकता है कि वो बीएसपी प्रबंधन की ओर से जो कराए जाने वाले काम नहीं कर रहा था, जबकि इससे पहले ऐसा हुआ है, ऐसा देखा भी गया इस जगह पर कि जहाँ पे हादसा हुआ है वो कहीं और होता है और वर्किंग प्लेस किसी और जगह का होता है, लेकिन उसके बावजूद उस समय नौकरी दी गई है। तो इस मामले में नौकरी क्यों नहीं दी जा रही, अपने आप में बड़ा सवाल है। आज लाल बहादुर सिंह के परिजन काफ़ी आक्रोशित दिखे। इसके अलावा यूनियन के नेता, चाहे वो इंटक हो चाहे वो और पदाधिकारी हो, वहाँ पहुँचे। इंटक के पदाधिकारी संजय साहू मौके पर पहुँचे, उनके साथ परगनिया जी भी थे जो सीनियर नेता है, सीनियर यूनियन नेता है। तमाम लोग पहुँचे और तमाम लोगों ने बीएसपी प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1:30 बज चुके हैं और 1:30 बजे तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर मृतक के परिवार के साथ न्याय के रूप में, चाहे वो बीएसपी प्रबंधन हो चाहे वो ठेकेदार हो, अभी तक क्या करें ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आप आगे वीडियो देखिएगा कि किस तरह से तीखी नोक झोंक भी हो रही है मृतक के परिजन को न्याय दिलाने के लिए, लाल बहादुर सिंह को न्याय दिलाने के लिए यूनियन के लोग जो सामने आए हैं उनका क्या कुछ कहना है, आप आगे वीडियो देखिएगा। हमारे साथ ही संजय सिंह के, ये लाल बहादुर सिंह जो है चाचा थे, वो भी इस मोर्चे पर खड़े हुए नजर आए। इनका कहना है कि हमने जो डिसीजन सामने ले लिया, आपने मैनेजमेंट का मैसेज बताया, हमने स्वीकार नहीं किया, हमारी डिमांड आप मैनेजमेंट को बताइए, आधे घंटे के अंदर फैसला बताइए, तो हम अपना अगला कदम। आपके ठेकेदार यहाँ पे आए हैं, सब मौजूद है, उनके फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने कहा आपके ठेकेदार हमारे नहीं हो, आपके ठेकेदार आप उनको काम देते हैं, तो उनसे मैनेज करने का काम आपका है। प्रिंसिपल कौन है? बीएसपी। हमको प्रबंधन की ओर से अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। बीएसपी प्रिंसिपल उसका काम है उसके नीचे जितनी शाखाएं हैं उसको मैनेज करना, देखना, उसके एक एक एम्प्लॉयर को देख रेख करना। नहीं कर पा रही है तो साफ तौर पर बोल दीजिए कि बीएसपी किसी ठेका श्रमिक का जिम्मेदार नहीं है, ये स्टेटमेंट जारी कीजिए, नहीं तो फिर जाके प्रबंधन से बात कीजिए, बात खत्म। आधे घंटे का डिसीजन चाहिए, अन्यथा भी हम अपनी कार्रवाई, आधा घंटा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बुला पा रहे हैं, इतना डर है, पैसा खा के बैठे उनसे ठेकेदारों से, इन लोग बड़े ठेकेदारों से पैसा खा के बैठे हैं, बुला नहीं पा रहे इन लोग ठेकेदार, पैसा टेंडर कहां से लेंगे? समझ
पूरा देखिए क्या अधिकारी अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए अपना कि हम अपने एक ठेकेदार जिसको काम देता हूँ वो काम के बदले उसको बुला नहीं पा रहा हूँ। किस हैसियत से आए यानी पैसे खाए तुम लोग सब आए आए काहे के लिए बात कर रहे हैं जब आपका समय पास करने के लिए यहाँ समय पास करने का समय है। अरे जो आदमी ठेका दिया इनके हाथ सिग्नेचर से ठेका उनको मिलती है उसको बुलाने के लिए उसकी उसके लिए खड़ा होकर ये कर रहे हैं प्रबंधक बारे ठेकेदार हो तुम लोग। बीएसपी का साहब उनसे कहना है कि बीएसपी अपने जिम्मेदार पे चल रही है शेर उसका कोई पार्ट नहीं है। इनके दिन को इनको शर्म आनी चाहिए जिसने काम दे दिया शर्म आनी चाहिए कि जिस अधिकारी हमारे सिग्नेचर से ठेका मिल रहा है वो अधिकारी खड़ा होकर तमाशा देख रहा है ठेकेदार का नहीं आ पा रहा है। एरिया के काम करने के लिए इनको ठेका श्रमिक के रूप में एंगेज किया गया था ब्रेसवेट कंपनी से। ब्रेसवेट ने किसी और को किया था पाल इंजीनियर को किया था अलग। अब चूंकि ये दुर्घटना जो है उस कार्य क्षेत्र की नहीं यानी कि SMS 2 की नहीं तो जो अनुकंपा के नियम वो हमें अलाउ नहीं करते कि परिवार के किसी सदस्य को संयंत्र की तरह परमानेंट जैसे बाकी केसेस में होता है आप कई केसेस देखें। इसी कारण यहाँ पे ठेकेदार को बोला जा रहा है कि ठेकेदार की तरफ से जितने भी जो भी वो वेलफेयर के रूप में फैमिली को हेल्प करने के लिए कर सकता है वो करे इसलिए हम लोग ठेकेदार को बुला रहे हैं उनका बेटा ठीक है और आ भी गए हैं मेरे ख्याल से वो डीजी वाले को बुला दीजिए और पाल इंजीनियरिंग जो मेन है जो हमारे स्वर्गीय लाल जी जिससे जुड़े हुए थे उनकी तरफ से क्या क्या सहायता प्रदान की जाएगी वो कॉन्ट्रैक्टर आप लोग के समक्ष बताएं। इन शॉर्ट आप बोल रहे हैं कि क्योंकि स्पॉट उनका कार्य क्षेत्र नहीं था इसीलिए प्रबंधन नौकरी नहीं दे सकता अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकता जो अनुकंपा नियुक्ति मैं क्या बोला नियम है ना मैं क्या बोला आप इन शॉर्ट में बात कर रहा हूँ उनका कार्य क्षेत्र नहीं था तो वहाँ पे आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती डायरेक्ट यही बात है प्रबंधन का ये और अगर कार्य क्षेत्र अगर कार्य क्षेत्र रहता तो तुरंत अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती एक्सीडेंटल जी बिल्कुल मिल जाती बिल्कुल। आज से पहले जितने केस हुए जो उसी क्षेत्र में एक्सीडेंटल हुए उसमें आप लोग कुछ और बात बोल के घुमा सुपरवाइजर आज तक किसी एक केस में बताइए किसी एक केस अभी मैं क्या बोलूँ सर आपकी बात सुना अभी हम आपकी बात सुना उसकी बात कर लेते आपकी बात सुना ना आप सुनिए ना कर लेते मैं आज तक एक केस बताइए जहाँ आप वहाँ उपस्थित हुए हो और बोले हो कि एक्सीडेंटल उसी स्पॉट में हो एलो जिस केस में भी एक्सीडेंटल मतलब इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ था इंक्वायरी कौन करता है में कार्य एक कमेटी बनती है उसमें 10 आप ही कमेटी नहीं हम लोग रहते 10 लोग रहते हैं बीएसपी की कमेटी बीएसपी के लोग रहते हैं उसमें 10 लोग रहते हैं ऐसा नहीं कि किसी का एक विशेष मैं किसी का फोन करूंगा अपने परिवार के लोग को बोलूंगा जांच करो तो जांच आएगा रिपोर्ट आप जो चीजें बोल रहे हैं वो इस यही बोल रहा हूं मैं नहीं है अकॉर्डिंग टू बीएसपी रूल जो परमानेंट कर्मचारी है उनकी ड्यूटी आवर्स 10 से 5 है फॉर एग्जाम्पल 10 से 5 है तो 9 बजे से लेके 6 बजे तक उनको बीएसपी करती है कि 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक जो भी घटना होगी क्योंकि रास्ते की जिम्मेदारी लेती है यहाँ तो वर्किंग आवर था आपके सुपरवाइजर के साथ वो आया था साइन करवाने आया इनके सुपरवाइजर के साथ पाल इंजीनियरिंग वही बोल रहा हूँ ना आप जो आप वो देखिए अगर SMS 2 की चीजें होती तो वो अलग जिम्मेदारी देंगे और उनको जाने दे पाल से आपने यहाँ का गेट पास तो यहाँ क्यों जाने दिए जाने देंगे बीएसपी का कौन सा रूल है सेफ्टी पर्पस कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी बिना परमिशन एंट्री नहीं देंगे क्यों चीजों को क्यों नहीं है सेफ्टी हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके पास सूचना नहीं गई है बॉस उनके पास जबकि एकदम सूचना तत्काल जानी चाहिए वो सूचना उनके पास नहीं है ऑपरेटिंग अथॉरिटी के माध्यम से यहाँ पे काम करवाया जाता है दिया जाता है हेल्थ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेल्थ सोसाइटी के पास सूचना क्यों नहीं दी गई सबसे पहली बात क्यों नहीं दी गई लापरवाही ये क्यों हुआ मैनेजमेंट क्यों करने लापरवाही आप करो सब काम आप करो आदेश हम लोग को दो जितने भी ये नहीं हो सकता बॉस नहीं हो सकता
फैला लीजिए, लेकिन मेन बॉडी आपकी बीएसपी है, उसके उसके नीचे निकले हुए जितने पार्ट है ना, हर एक की जिम्मेदारी बीएसपी को लेनी पड़ेगी, उस हर एक की जिम्मेदारी सरकारी उपक्रम है ना, वो अपने नियमों से चलता है, जो नियमों में बैठता है उस हिसाब से प्रोसेस। जो भी केसेस बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी केस नहीं है जो जेन्युइन था और जिसको अनुकंपा नहीं मिली। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सारी लेडीज यहीं पे हैं, हमारे ऑफिस से जुड़ी हैं, क्योंकि हम लोग ही उनका प्रोसेसिंग सब करते हैं। जो जेन्युइन केसेस था, जिनकी इंक्वायरी में पाई गई, वो सबको समय से मिला, मतलब कितनी परेशानियों के बाद में तो इंक्वायरी हुई नहीं, तो हम क्यों बोल रहे हैं जेन्युइन है कि नहीं। ऑन ड्यूटी बीएसपी कर्मी जिसका SNS 2 का गेट पास है, वो SNS 3 में वर्क कर रहा है, और मतलब अपने मर्जी से घूमने चले गया, समोसा खाने चले गया, उसका एक्सीडेंट हो गया प्लांट के अंदर, उसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी इस समय ये सब में बोलने की जरूरत नहीं है। आपने अब ये सही बात बोला कि बीएसपी कर्मी अलग है और ठेका श्रमिक कीड़ा मजदूर है, आपने बोला ना, आप यही बोल रहे हैं, आप यही बोल रहे हैं, अलग अलग है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप उसको और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ घुमाने का प्रयास न किया जाए। हम लोग सीधा एक रूप में जानते हैं, बीएसपी का वर्ग चल रहा था, वहाँ काम है, वहाँ चाह रहे ना, नहीं आया था, चाह रहे की चीजें वाइट डायरेक्टली जो है वो कीजिए, यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मैंने बिल्कुल गोल गोल रानी घुमा रहे हैं, वो पॉइंट बोल रहे हैं। देखिए आपने क्या बोला कि बातें बढ़े ना, पॉइंट पे बात हो, पॉइंट पे बात ये है, हमें अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, परिवार के एक सदस्य से बात खत्म। मैं फिर से वही बोलना चाह रहा हूँ, अभी के जो हमारे प्रावधान है, जो रूल्स है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में, चूंकि ये कार्य क्षेत्र का एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए वो प्रावधान एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि इंक्वायरी की जाएगी, ये कैसे आप कह दिए, आपकी बात ये कैसे कह दी गई, कार्यक्षेत्र का नहीं है, दो मिनट बीएसपी का काम चल रहा है, कार्यक्षेत्र नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कार्यक्षेत्र नहीं था, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। क्यों भेजा पाल इंजीनियर ब्रेथवेट कंपनी, सबको जो डीसी कंपनी, डीजी माइक्रो कंपनी, बीएसपी प्रबंधन, इनके खिलाफ मैं FIR करूंगा कि मेरे चाचा को कार्य क्षेत्र से उठा के दूसरी जगह लाके मार मार दिया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, बीएसपी ने मरवा दी है, मर्डर का केस हो गया, बात करेंगे। मौके पर गया नहीं, घटना स्थल देखने भी नहीं गया, आप यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हो, गलत नियम बता रहे हो। 48 घंटा हो गया, 48 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हल नहीं, बिल्कुल दूसरा व्यापी नहीं, बीएसपी कवर कर रहा था, कहीं मार दो, लेने का अधिकार है, उसी से बात करो, जिम्मेदारी से FIR करो, लेने का अधिकार है, पावर है, उसके खिलाफ FIR करो, फैमिली से ही बात करे, डायरेक्ट बात करे, फोन उनमें बात नहीं है, पत्नी वहाँ पर है, आप वहाँ से मिलिए, कुर्सी में बैठे हैं, कुछ भी ठेकेदार आ नहीं रहे, पहले आने चाहिए, एक मिनट सुने, दो मिनट आप लोग जो बात करना चाहते हैं, यहाँ ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लेंगे, जो है मैनेजमेंट की तरफ काम करते हैं, प्रबंधन का जो पद है वो आपके समक्ष में आए, बाकी इसमें ठेकेदार भी रहता है, इस केस में मल्टीपल जगह उनके प्रेजेंस में उनकी तरफ से क्या क्या चीजें जो स्पीड या सुस्पीड या मदद प्रोवाइड की जा सकती है, उसके लिए उनका वेट करना है, क्योंकि प्रबंधन का एक अलग डिसीजन आप नहीं लेंगे, प्रबंधन का जो बड़ी बात तक पहुँचाऊँ पड़ी हुई है और घर के लोग 3 दिन से खाना नहीं खाए, आपके परिवार के साथ है, आप दोनों तो फैमिली से हैं, आप अगर चाह रहे हैं कि फैमिली से बात करें तो आप आधे घंटे से आप भी आए हुए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं किया कि फैमिली वाले आ जाओ, नहीं जब तक हम लोग यहाँ नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं करेगा, साहब का वेट कर रहे थे, ठेकेदार की भी साहब का वेट खरीदारी रहती है, ठेकेदार को भी उसका वेट किया जा रहा है, ठेकेदार आ रहे उसके बाद बात होगा, ठेकेदार आ रहे तो उनके बाद ही बात होगी, खुद पहले आ जाना, मैं बात करने को तैयार हूँ, मगर मैं फैमिली से बात करना चाहता हूँ, ठीक है फैमिली वाले बात कर लेंगे, आप हम करते हैं मैडम, और जो भी आप जिसको भी क्लोज समझ, मेरे वरिष्ठ भी आए हैं, हम लोग साथ में उनसे बात करें,
आप लोग चलो जाइए, हम लोग यही बात कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग जो है बाकी लोग बैठे, वो जरूर लगे।